इनको लेने के लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ, ये तो दिखा। ओहो ये चलेंगे नोट यहाँ पिंकी। लेट चेक करके लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को अनलिमिटेड बटर नहीं मिलेगा। ये कौन चच्चा लेके चला गया? ये ताऊ कहाँ जा चुके हैं भाई, नशे में फुल थे। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि ब्लॉग बनाएंगे ट्रैवल, पर हमारे ब्लॉग बन नहीं पा रहे थे। आज फाइनली एक अच्छा मौका मिला है हमें। फाइनली हमारी ट्रिप जो है स्टार्ट हो चुकी है। इतनी रुकावटें आई लेकिन आखिरकार फाइनली जा रहे हैं। कितने दिन से ये ट्रिप प्लान करते करते मुझे लग रहा था नहीं जाएंगे। मेरा तो बैग 2 दिन से पैक था। मेरी वाइफ कह रही थी नहीं अब आप नहीं जाओगे, लेकिन बहुत मिन्नतों के बाद ये ट्रिप बन चुकी है। ट्रिप तो प्लान हो रही है, पोस्टपोन हो जा रही है, फिर प्लान हो रही है, फिर पोस्टपोन हो जा रही है। फाइनली हम लेकिन जा रहे हैं, और वो हम जा कर रहे हैं वो हम आपको रास्ते में बताएंगे। जैसे जैसे हम डेस्टिनेशन पे आगे बढ़ेंगे आपको भी साथ में लेके जाएंगे, और उसी तरह से जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं आप हमारी वीडियोस के थ्रू आप भी उस चीज को इंजॉय करोगे। अब मैं यहाँ अभी फाइनली कापासडा में हूँ, अपनी कर्म भूमि में। रविंदर भाई को मैंने पिक कर लिया है, अब हम लोग चलते हैं। और ये देखो धीरज भाई भी है हमारे साथ, है 1.2 CR। ये बाद में रिवील हो जाएगा, इस अगर इसके बारे में जानना है तो आप ब्लॉग देखते रहो, है भाई। ओके गाइस चलो भाई हम एंजॉय करते हैं, आपको भी करवाते हैं। यार गाइस पहला टोल आ चुका है हमारा, कितना हो गया हमें, शायद 70 से 80 किलोमीटर हम चल चुके हैं यहाँ से। 80 किलोमीटर के बाद पहला टोल आया है, और 1.5 घंटा हमें हुआ होगा, 1.5 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम हमें यहाँ पर। जानकारी लेता हूँ कौन सा टोल है मैडम, ये कौन सा टोल है? ये काशी टोल प्लाजा है। ये निकल गए हम यहाँ से, अब कोई अच्छी जगह देखिए होल्ड लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। और यहाँ पर बोर्ड लगे हुए, चोटी वाले का ढाबा है यहाँ। यहाँ पर हाँ एक चीज देखी हमने, एक कोई फेमस पीछे ढाबा चलता हुआ आ रहा है, चोटी वाला रेस्टोरेंट करे कुछ नाम है ना शायद, चोटी भाई है गली नंबर 2 का चोटी। और जब से लेकिन एक चीज और है उसमें, जब से हम देख रहे हैं 15 मिनट अवे करके दिखा रहा है, लेकिन हम 15 मिनट से ज्यादा हो गया चलते हुए, अब तक वो ढाबा हमें दिखा नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो चलो हम पहुँच रहे हैं, हमें मिलेगा तो हम आपको भी दिखाएंगे। रोड बढ़िया है, एक नंबर रोड अच्छा है। गडकरी जी को थैंक यू बोलो आप लोग, बढ़िया रोड बनवाया है गडकरी जी ने, इतना अच्छा रोड बनवाया है। सामने कैमरा है, गडकरी जी वी लव यू। हाँ जी सर कैसा फील हो रहा है? अरे एक नंबर बातचीत। अभी हम लोग तेल वेल डला रहे गाड़ी में अपनी, मशहूर चोटी वाला रेस्टोरेंट हमारा अगला स्टॉप होगा। बहुत देर से इसको देखते हुए आ रहे हैं, अभी तेल वेल डला, दिल्ली से हम इसी को फॉलो करते हुए। आगे सुखदेव ढाबा भी दिख रहा है हमें, उसका पता नहीं किसमें चलेंगे, देव की वो पता करेंगे अभी, देखते हैं आगे। रविंदर भाई बोल देंगे उसमें जाओ, फिलहाल तो भाई हमारी टंकी फुल हो जाए। देखो कितने देखो मैं इनको लेने के लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ, ये तो दिखा। ओहो ये चलेंगे नोट यहाँ पिंकी। सो गाइस यहाँ पर हमने पहला होल्ड लिया है, और जो जिसके हम बात कर रहे थे चोटी वाला रेस्टोरेंट, इसका इसको हम काफ़ी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे थे, और फाइनली हमने अपने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है, और अब हम सीधा यहीं पे से अंदर एंट्री कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। ये हमारे दोनों दोस्त ये रहे, हम लोग फेमस चोटी वाला ढाबा पे आ चुके हैं। गाइस आइए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखते हैं बस कहीं पे या फिर सही में कुछ है यहाँ पे, तो देखते अंदर जाके। ये देखिए यहाँ पे आपको अनलिमिटेड बटर मिलता है धीरज भाई, अनलिमिटेड बटर मिल रहा है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? बटरी बना देंगे हम पूरे ब्रेड को, जितना हो सके उतना। यहाँ पे चोटी वाले ढाबा पे आपको अनलिमिटेड बटर मिलता है, ये यहाँ की एक खासियत है। एक काम करेंगे ना हम, सोच रहे हैं अनलिमिटेड बटर तो हम ये बटर लेके एक काम करते हैं ना, पराठा मैगी मंगाते हैं, बटर बटर खा लेते हैं।
एक बंदा था ना, एक बंदा था ना, उसको देखते ही था दुकान वाला कहता था भाई इसको चटनी मतलब अपने हाथ से देता था और सबके लिए रखी रहती थी, बोलता था चटनी खाने आता समोसा नहीं खाता ये। तो यार फाइनली इतना वेट करने के बाद में हमारे पराठे आ चुके हैं और पराठों के साथ में जो हमें मिला है वो ये मिला है दही, अमूल बटर और थोड़ा सा अचार। विनाश हो गई है हमारे वेट चेक करके लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को अनलिमिटेड बटर नहीं मिलेगा। हाँ हाँ हमारे आगे गाइस यहाँ पे अनलिमिटेड बटर रखा हुआ था और वो बटर गायब हो गया बिल्कुल ही, लेके चले गए। धीरज भाई ने देखा तो धीरज भाई बोल रहे कि ये क्या हो रहा है यार। तो यार फाइनली हमने अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर लिया है और जो बिल हुआ है वो हुआ है 536 का बिल हो रखा है। यहाँ पर अलग ही लेवल की धूप ज़्यादा हो रखी है यार, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। कि हम जब आई विश कि चक्राता में इतनी गर्मी ना हो यार। जब हम दिल्ली से निकले थे तब वहाँ का मौसम थोड़ा अच्छा था, क्लाउडी मौसम था, पर यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है। अब यहाँ से निकलेंगे, निकल के अब थोड़ा और डिस्टेंस कवर करेंगे। अविनाश भाई गाड़ी स्टार्ट करते हुए यहाँ पर थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए अंदर का गाड़ी का। तो हमारी जर्नी दोबारा से गाइस कंटिन्यू हो गई है और ये देखिए हम जा रहे हैं हरिद्वार होते हुए अपने रास्ते पर। हमारा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है। अच्छा खाना कैसा था भाइयों, मजा आया कुछ खा के? या खाना तो भाई मूर्तल के पराठे अच्छे भाई और मतलब ओके। और धीरज भाई आपका क्या कहना है इस बारे में? यार वेटिंग टाइम काफी ज्यादा था और ओके था। मतलब आप सजेस्ट करोगे जैसा जैसे कि वहाँ पे ब्रांडिंग हो रही थी चोटी वाला रेस्टोरेंट? हाँ वही ना, हर किलो था, हाइजीनिक तो था ही भाई, लेकिन पराठे का जो प्राइस थोड़ा ओवर प्राइस लगा। ओह ओके, एज पर हाइप वर्थ इट नहीं है, वर्थ इट नहीं है। थोड़ा बड़ा पराठा होता तो बढ़िया। हाँ हम तो सोच रहे यार एक पराठा और आएगा और उसने कहा कि भाई आपके तो पराठे इतने ही आने थे, प्लस पराठों के साथ मजा आता है तुम्हारे बटर का और बटर अमूल का दे रहे हैं। अमूल का बटर दे रहे हैं, दूसरा वो अनलिमिटेड भी नहीं है। अविनाश भाई हमारे कह रहे थे अनलिमिटेड बटर है यार, वहाँ रखा था छोटी वाला हम गए इसलिए अनलिमिटेड बटर है और हमें हमारे एक्सपेक्टेशन लग रहा है फुलफिल नहीं हो पाई वहाँ पे। अभी हम लोग मेरठ पहुँचने वाले हैं, 5 किलोमीटर पहले वो था छोटी वाला रेस्टोरेंट और यहाँ पे बहुत सारे ढाबा और रेस्टोरेंट है भाई साइड में ना, बहुत सारे हैं जहाँ भी। पर हाँ आप जब भी रात वात को ट्रेवल करो ना तो कोई बढ़िया पे रुको, क्योंकि छोटे मोटे पे रुकोगे ना फिर बंदे आपको मतलब कुछ लोग वहाँ पे देखते रहते हैं, फिर गाड़ी के पीछे भी चले जाते हैं, ऐसे मैंने कहानी वाली सुनी है। थोड़ा रात में आप ट्रैवलिंग कम करो इस रोड पे क्योंकि छोटे मोटे में मत रुको क्योंकि यहाँ पे लूटपाट हो जाती है रात में। यहाँ पर हमारा सेकंड टोल चुके आ चुका है। क्या क्या कह रहे हो भाई आप? 80 तुस्से पीवांगे लस्सी। तन्नू एक तकलीफ देनी सी, देख ले भाई बंदा यार। ओ, माफ करना माफ करना, गलती होगी गलती होगी। जोनी जोनी यस पापा ड्रिंकिंग लिकर नो पापा। भाई कॉपीराइट आ जाएगा इस पे, ऐसे नहीं बोलते क्या? नर्सरी के बच्चे लगाएंगे कॉपीराइट उस पे। वीडियो नर्सरी के बच्चे ने थोड़ी ना डाली हुई। वीडियो डालने वाला तो कोई और है भाई, नर्सरी के बच्चे बहुत तेज हो रहे हैं आजकल। नर्सरी के वीडियो देखो वो चाचा को, नर्सरी 26 जा रही है क्या? 4/26 तो अटैक है भाई, इन लोगों ने भी अटैची रखे पीछे सूटकेस वाली, ये भी जा रहे हैं। पूछो नहीं बाहर भाई चक्राता। और एक हमारे गाइस ये हैं मिस्टर पंकज उदास। पंकज उदास ये सो रहे हैं अभी, उदास ये सो ही रहे बेचारे, इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। भैया कौन सा टोल है ये? शिवाय। ओ कौन इतनी बड़ी सिगरेट पीने लग रहा है भाई? मुझे लग रहा है आज खाली भाई सिगरेट पी रहे हैं भाई, मुझे तो लग रहा है चक्राता पहुंच गए हैं, बादल बन रहे हैं लाइव हमारे सामने। सही लग रहा है, यही बादल की फैक्ट्री है गाइस, ये देखो आप भी ध्यान से देखो, यही चक्राता जाके बारिश, यही चक्राता जाके बारिश करेंगे। ये हमारे धीरज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए धीरज भाई। कुछ और टाइम फिर उसके बाद हम आराम कर पाएंगे। आराम आराम ही तो कर रहे हो अभी आप, अभी भी तो कुछ कर ही रहा है। कोजी बेड मिलेगा भाई फिर, कोजी आराम आराम हराम है, कभी आराम मत करो। तो फिर आपको एक काम करेंगे, हम रावत भाई के साथ कभी बैठाएंगे, रावत भाई आपका हराम हराम कर देंगे, ठीक है? ओके। रावत के साथ कौन बैठेगा? एक और टोल आ चुका है और ये वाला टोल कौन से टोल में गाड़ी घुसा, अरे कौन है इसमें निकलने की कोशिश कर रहा है क्या बेटा? नहीं
यहाँ पर कोई फास्ट टैग नहीं है, कुछ नहीं है, कैश की लेन है सारी की सारी। हाँ कैश कार्ड है, फास्ट टैग वास्ट टैग कुछ नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल पैसे दो। भाई टोल कौन सा है? ये रोहाना टोल प्लाजा। रोहाना टोल प्लाजा है गाइस, ये रोहाना टोल प्लाजा है जो अभी हमने पार कर लिया है। यहाँ पे आपको सिर्फ कैश देना पड़ेगा, यहाँ पे फास्ट टैग नहीं है, तो अगर आप कभी भी आ रहे हो तो कैश कैरी करके हमेशा चले भाई। अगले टोल पर बात होगी। तो हमारी जर्नी हो चुकी है दोबारा कंटिन्यू, 165 रुपए हमने दे दिए जो कि हमें ज्यादा लग रहे हैं पर कोई बात नहीं, अगर ट्रिप अच्छी गई तो सारे पैसे वसूल है गाइस। यहाँ पर हमने अपनी टोल की पर्ची रिटर्न कर दी है और हमारा गेट खुल चुका है। यहाँ पे आपको दोबारा टोल नहीं देना, टोल नहीं देना पड़ेगा इस टोल से, जो आपने पिछले टोल पर हमने जो पर्ची खरीदी थी टोल देकर 165 रुपए। और ये धीरज भाई किसी सेठी भाई को बुला रहे हैं। धीरज भाई कौन है सेठी भाई? सुनील शेट्टी का भांजा है। सेठी सुनील शेट्टी गदर मूवी में वो बच्चे का जो रोल किया है वही है। अरे वो तो फिर बड़ा हो गया होगा, वो तो फिर जरूर मिलना चाहिए, गदर के प्रमोशन में बिजी होगा वो बंदा। तो फिर सेठी भाई यहाँ के बदमाश है ना, सहारनपुर वाले वही है। सेठी भाई ने पांच बंदों को अकेले संभाल लिया था सेठी भाई ने। अरे भैंस की आंख। अरे अरे आराम से चला। अरे भाई मेरी गलती थोड़ी है यार, थोड़ा सा तो खींचम खींच मीटर यार। सेठी भाई से मिलने की खुशी में सेठी भाई से मिलने जा रहे हैं गाइस हम। अगर भाई बकचोदी ने बताओ मिलना है तो। हाँ हाँ भाई मिल रहे हैं। और गाइस ऐसा है, अगर आप सहारनपुर में आ रहे हो और आप बाहर से आ रहे हो और अगर पीछे मत बैठो। नहीं 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 गाइस आराम चल रहे हैं अब से। आप जल्दी सेठी भाई को बुलाओ, सेठी भाई को फेमस चीज क्या है पहले जब रुकेंगे तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। सेठी भाई को बुलाओ फिर अब। ये तो भाई रो फुटेज है भाई, ये तो अनफिल्टर्ड में जाएगा। देसी दुकान तो दिखा देंगे शराब की। ये कौन चच्चा ये ताऊ कहाँ जा चुके हैं भाई, नशे में फुल थे। सहारनपुर की एक और खासियत है, यहाँ पे ऐसी नदियाँ हमें मिल रही है जिसमें पानी नहीं है। पानी नहीं है सहारनपुर के लोगों ने पी के पानी खत्म कर दिया। लग रहा है पानी की तंगी से जूझ रहा है ये जिला, पानी की तंगी से जूझ रहा है। राजस्थान तो नहीं आ गए, पानी मांगे डिंगरो। पानी की लग रहा है तंगी है गाइस यहाँ पर, तो आप अपना पानी अपने साथ लेके आइए ठीक है, और यहाँ की नदियों में पानी डाले। आप भी गाली देते हो क्या? मैंने अभी इस पे गाली पे अविनाश भाई कह रहे हैं कि धीरज भी गाली देता है। धीरज तो गालियों का हेडमास्टर है यार। मैं कॉपीराइट मारूंगा भाई, गाली मेरी है। धीरज कैसे दे रहा है गाली मेरी है? धीरज कैसे दे रहा है? धीरज को तो मैं बहुत अच्छा समझता था, ये गाली वाली दे रहा है यार। धीरज कुत्ते के अलावा कभी आगे बढ़ा नहीं था, पर आज धीरज कुत्ता। लेकिन आज धीरज पोस्टमार्टम हाउस आ गया गाइस। तो फाइनली सेठी भाई आ चुके हैं। सेठी भाई और सेठी भाई ने भाई हमने साथ में पेटीज खाई, काफी अच्छी पेटीज थी, सेठी भाई ने हमें रिकमेंड की। और अभी सेठी भाई हमें यहाँ पर चीज रोल खिला रहे हैं। और एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये है गो डैडी नाम है इस दुकान का। हाँ अभी जब हम निकलेंगे ना तब आपको मैं इसका नाम दिखाता हूँ। भारत माता चौक सहारनपुर में चीज रोल ऐसे नजाकत से कट रहे हैं, जैसे धीरे 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 भारत माता चौक पे आप आ सकते हो। ये धीरज के साथ होता है गाइस, धीरज अपने से रिलेट कर रहा है। नो धीरज बॉस हार्म टू माय धीरज भाई कंट्री लो। आप क्या कहना चाहते हैं? हां भाइयों बताइए, दोनों भाई सेठी भाई धीरज भाई क्या? सेठी भाई तो मान ले यहाँ के हैं, है बताओ भाई। इससे बढ़िया भी है, इससे बढ़िया भी है यहाँ पर। हमने गाइस उसके ट्राई नहीं की, कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएंगे, बच्चों के साथ आएंगे। हाँ क्योंकि अगला ट्रिप तो भी बच्चों के साथ ही होगा। आ चुका है हमारा चीज रोल और कुरकुरे मोमोज। ये आ गए हैं चीज रोल, चीज रोल आ चुके हैं, सब चीज रोल है। ये क्या भैया, ये भी चीज रोल है गाइस? बड़े देखिए कुरकुरे, बड़े यमी लग रहे हैं ये भी चीज रोल है, ये भी चीज रोल है। नहीं ये मोमोज है, ये कुरकुरे मोमोज है, ये मोमो। हाँ ये डेढ़ प्लेट मोमो था, ये वो है। हाँ चीज रोल है, चीज रोल। गाइस सेठी भाई फाइनली जा रहे हैं, हमने बोला साथ में चलने के लिए लेकिन सेठी भाई के कुछ और प्लान है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वापस में मिलेंगे ठीक है सेठी भाई, बिल्कुल मिलते हैं। चलो भाई हैप्पी जर्नी। ओ थैंक यू भाई, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।
और ये सेठी भाई को क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे विदा कर दिया है, बाय बाय बोल दिया है। वो देखिए वो जा रहे हैं सेठी भाई, ये गाड़ी में बैठ गए हैं, ये ऑल्टो नहीं की है जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, एनसीआर वाली जो ऑल्टो है ना, वही है सेठी भाई की। देखो और अब हम दोबारा अपनी जर्नी पे वापस कंटिन्यू कर रहे हैं।